हो जाएंगे, रास्ते बंद भी होंगे तो हो जाएंगे। सांबाद भी तो हुआ था ना, देखिए एक खुला मैदान दे दिया था, वो भी भर गया था, लोग आ गए। नहीं नहीं, लोग तो पहुंचेंगे, ये ग्राम की कॉल है, लोग तो पहुंचेंगे। असल में बात ये है कि अभी तक आपका कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है। इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, अभी तक तो सब नहीं है कि हमारे कंटेनर रोक लिए गए हैं, हमारे फोन भी रोक लिए। वो तो उनको करना पड़ेगा, सीनियर मैनेजमेंट जो है कुछ ना कुछ उठाना पड़ेगा। ना भी होगा तो लोग आएंगे, क्योंकि खान तो नहीं है जल्द से स्टेज पे। खान ने तो आती है तकलीफ, लोग सुनने के लिए उसकी मोहब्बत में चले आएंगे। खान जेल में लोग क्यों नहीं आएंगे, तो साउंड सिस्टम नहीं भी होगा तभी होगा, क्योंकि खान की मकसद क्या है, हमें खान को छोड़ना, उसकी आजादी के लिए यहाँ पर। मतलब उसमें ये नहीं है कि स्टेज बनता है नहीं बनता, ये जलसा का आप देखिएगा सुबह इंशाल्लाह। मेरे यहाँ पे मौजूद हैं, अभी मेरे बहनें घर में बैठी हैं, देख रही हैं उनको क्या पैगाम देती है जलसा का। सुबह जरूर आएंगे लोग, फैमिलीज आएंगी। लाहौर में पहले भी जलसे हुए हैं, आपने देखा फैमिलीज लाहौर के जलसों में किस कदर होती है, इस्लामाबाद के जलसों में भी और लाहौर के जलसे में बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज भी होती हैं, औरतें होते हैं, आएंगे लोग इंशाल्लाह। ये मैडम जी की जो पंजाब की लीडरशिप है, हमाद अतर साहब है, उनका भी है, वो स्टेज पे पहुंचे थे यहाँ पे जैसा काम। मैं समझ गया हूँ, लेकिन तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इमरान खान के लिए, आप खान के लिए? मैं खान के लिए आई हूँ। अच्छा, मैंने कोई, मैं पीटीआई की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं खान के लिए आई हूँ। आजकल तो सबसे बड़ा वोटर एक के जो है इमरान खान, सारी बात है जो इमरान खान साहब ने टिकट दिया वो एमपी और मैंने बनाया। अच्छा, और अच्छा कोई पैगाम हमारी बहन को सुनो। जी, मैं उनको तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर मतलब ये है कि आपने सारी जिंदगी आराम कर ली और आगे भी आप सारी जिंदगी आराम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये जो कॉज है घर बैठे अगर आप दिल में या नमाज के बाद दुआएं मांगते हैं खान साहब के लिए तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अपना पार्टिसिपेट करते हैं तो ये खान साहब के लिए नहीं है। खान साहब अपनी जंग जीत चुके हैं, वो अपना शऊर जो देना था वो दे चुके हैं। इस वक्त जो जाएंगे हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों की है कि अगर ये सारा कुछ जिस तरह की अमेंडमेंट हो रही है और जिस तरह की फसलाइत बरपा है और जिस तरह किसी को चादर चादर अगर किसी जिन लोगों के घरों तक ये पहुंचे हैं तो कल को ये आपके घरों तक भी पहुंचेंगे, तो बेहतर है कि उसका रास्ता रोकने के लिए यही एक तरीका है कि अगर आज आप इस जंग को अपनी जंग समझेंगे ना तो कल ये जंग आपके घर तक नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। नाज़रीन देख रहा आपको जान ही हाजिर है।